तो उनको भगाने के लिए लगभग एक सदी से ज्यादा का वक्त लग गया। और एक साहब अभी कह रहे थे कि एक मेंबर फॉर्म को जिताने में अपने मोहल्ले के 25 साल लग गया। करने वालों में से कन्वीनर साहब अभी गए, जावेद चंदन साहब तशरीफ फरमा है, मोहम्मद भाई सामने खड़े हैं, राशिद भाई, कासिम भाई, अंजरून भाई, आसिफ चंदन साहब जो कि AIMIM के ज़िला सदर हुआ करते हैं, सलाहुद्दीन साहब PPI से हैं, मौलाना मोहम्मद मजहर सल्फी साहब आप हैं, मौलाना मजहर अली मदनी साहब मदरसा फैजियाब के प्रिंसिपल हैं, मौलाना मजहर सल्फी साहब भी आलिया मदरसा के प्रिंसिपल हैं, मौलाना शफीक अहमद नदवी साहब आप उस्ताद हैं मदरसा आलियत के, आप तमाम लोगों का वेलकम इस्तकबाल और खैर मकदम है। अनीस अहमद साहब घोसी से आए हुए हैं, उदल राजभर एडवोकेट दीवानी कचहरी घोसी से आए हुए हैं, श्री सुधाकर यादव मधुबन से आए हुए हैं, अखिलेंद्र प्रताप यादव प्रधान जी सिपाह से आए हुए हैं, जयराम यादव मधुबन क्षेत्र पंचायत के सदस्य हुआ करते हैं, मास्टर जफरयाब साहब नदवा सराय से ताल्लुक रखते हैं, आपने बड़ी कुर्बानी देकर यहाँ तशरीफ लाई, मास्टर फैयाज अहमद साहब भी नदवा सराय से तशरीफ लाए हैं, अजीज़ुर्रहमान लड्डन साहब भी नदवा सराय से आए हुए हैं, आरिफ मंत्री राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के यूथ विंग का, गौरव सिंह पन्ना पहसा से आए हुए हैं, आपका वेलकम है, आप भी जिला अध्यक्ष हैं, नागरिक एकता पार्टी के उजैर अहमद साहब हैं, पूर्व नामित सभासद हम सब के बीच ऐनुल मुजफ्फर साहब बहुत ही फाल बुनकरों के मसाइल को लेकर काफ़ी लंबे अरसे से हैदराबाद मोहम्मदाबाद से तशरीफ लाए, हर मीटिंग में आप तशरीफ लाते हैं, अजय कुमार सभासद जी वार्ड नंबर 10 के लगातार 2 बार सभासद हुए, आपने तशरीफ ले आई, शहाबुद्दीन खान उलेमा काउंसिल से ताल्लुक रखते हैं सामने बैठे हुए हैं, इकबाल अहमद साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष बुनकर वाहिनी, और आप तमाम लोगों में से कई साथियों का नाम न लिया गया हो तो माजरा चाहता हूं, प्रकट करता हूं कि आप लोग ने जो समा जलाई है बाजी भगाओ मऊ बचाओ, इसके लिए हम आपके साथ कदम कदम मिलाकर चलेंगे, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूं। जहां से तेज हवाओं का आना जाना होगा, जहां से तेज हवाओं का आना जाना होगा, अंजाम कुछ भी हो वहीं पे दिए जलाना होगा, अब मैं गुजारिश करूंगा मास्टर जफरयाब साहब से नदवा सराय से तशरीफ लाए, आपसे भी मुद्दवाना दरखास्त है। मैं जफरयाब इंटर कॉलेज इकोनॉमिक लेक्चरर, जनाब सदर साहब अराकीन मजलिस, ये एक अच्छी पहल है और हम लोगों को तो नहीं मालूम था, इसलिए मैंने कहा भी कि ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, मऊ को चरागाह इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, और कुछ हमारे लोगों ने ही गड़बड़ किया, वरना घोसी तो खुद ही अच्छे अच्छे नेताओं लाल बहादुर शास्त्री झारखंडे राय तमाम लोगों बड़े बड़े लोगों हुए, उनकी वरासत हम संभाल नहीं सके, और जो आया जीत कर चला गया, किसी ने कहा है ना कि उन्हें फुर्सत नहीं कि पलट कर देखें, हम ही दीवाने हैं दीवाने बने रहते हैं, हम लोग खुद ही उन लोगों के दीवानगी में कर दें, लेकिन बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोग्राम अच्छा और सही बात है कि हमको उनका बायकॉट करना चाहिए, उनको मौका नहीं देना चाहिए ना उनकी बात। वीरेंद्र प्रताप जी आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं, विनम्र अनुरोध है कि एक मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बाहरी भगाओ मऊ बचाओ, हम लोगों से यहाँ सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम हो रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं, कोई गाजीपुर से आ रहा है, कोई बलिया से आ रहा है, कोई मऊ से आजमगढ़ से आ रहा है, यहाँ से जीत कर लोग चले जा रहे हैं, बाकी पलट कर कोई नहीं देख रहा है, यहाँ के समस्याओं को लेकर के, चाहे किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, बुनकरों की समस्या हो, कोई लड़ने के लिए तैयार यहाँ नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा विलम्ब तो हुआ है लेकिन अभी से हम लोग इस पर मजबूती से कार्य करना शुरू कर दिए, दें यहाँ के कोई मजबूत कैंडिडेट को जिता करके अपनी समस्याओं को लड़ने के लिए अपना मजबूत दावेदार चुनने का
कार्य किया जाए और बाहरी को यहाँ से एकदम भगाने का कार्य किया जाए। इसी बात के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। इन तमाम नामों को सुनने के बाद आपको इस बात का जवाब तो मिल ही गया होगा कि हम लोग किसी के पॉकेट के आदमी नहीं हैं। तमाम पार्टियों से लोग, ताल्लुक रखने वाले लोग इस दर्द को काफ़ी लंबे वक्त से सह रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, तकलीफ में थे बेचारे। हमारी ख्वाहिश थी कि मौलाना देर तक रहें, मगर मौलाना की मशगूलियात ज़्यादा है, तो बड़े ही अदब से दरख्वास्त कर रहा हूँ जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के ज़िला सदर और मदरसा जामा मुफ्ताउल उलूम के आप उस्ताद हैं, आपसे बड़े ही अदब से गुजारिश है कि अपने ख्याल का इजहार करें। मोहतरम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुअज़्ज़ज़ सामिन, इस प्रोग्राम के सदर और हमारे बड़े नफीस अहमद साहब और सिंगर सभी शामिल, हर आदमी को अपनी राय आज़ादी से देने का हक होता है। सिर्फ दो बातें मैं अर्ज करता हूँ कि ये फिलहाल जो इंतखाब होने वाला है, ये मजलिस कहिए कि कानून साध मजलिस का इंतखाब होने वाला है, तो उस कानून साध मजलिस के इंतखाब की क्या ज़रूरियात हैं उसको भी हम सामने रखें, और मुल्क के मौजूदा हालात किस बात का तकादा करते हैं उसको भी हमें सामने रखना है, और अपने घोषी लोकसभा क्षेत्र की तरक्की का भी जो मसला है उसे भी हम सामने रखते हैं। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वक्त आने से कुछ कबल कुछ हिदायत आपसे दी भी जा सकती हैं, कुछ हिदायत आपको दी भी जा सकती हैं। कोई फैसला हम करें तो फिर उसके असरात क्या होंगे इस पर भी हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। इतनी बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जज़ाकअल्लाह। के नताइज फौरन नहीं हासिल होते हैं, उसके लिए मेहनत और कोशिश के साथ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आज चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव और इलेक्शन के मौके पर ये तहरीक चलाई गई है। तहरीक कभी भी चलाई जा सकती थी, कभी तो शुरुआत होगी उसकी, लेकिन ये बात भी मलहूज रहे कि ये तहरीक किसी पार्टी या किसी और चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये मुखलिसाना तौर पर ये मऊ की आवाम और मऊ के मफाद और मऊ की तरक्की को पेश नज़र रख के होना चाहिए। अगर इस इखलास के साथ हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो यकीनन हमारी ये तहरीक कामयाब होगी इंशाअल्लाह। कहानी चलती है, हालात बदलने की खातिर दिलचस्प कहानी चलती है, उस ओर ज़माना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो आप भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। इसी कड़ी में घोसी से ताल्लुक़ रखने वाले और दीवानी कचहरी मऊ के एडवोकेट बड़े भाई उदल राजभर जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आप अपने संबोधन से हमें। धन्यवाद संचालक महोदय, जनाब सदर मोहतरम साहब, और इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं तमाम हमारे सम्मानित अकलियत के लोग और मेरे नौजवान साथियों। मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, मैं पूर्व वक्ताओं के बातों को अपनी बातों से साझा करना चाहता हूँ। कुछ दो एक बात मैं अपने आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2011 की जनगणना के हिसाब से मऊ की आबादी 22 लाख नियर अबाउट है, और साक्षर यहाँ जो साक्षर है 75% लोग इस मऊ जनपद में साक्षर हैं, जो 2011 की जनगणना कहती है। लगभग 77% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, 22% लोग शहरी मऊ शहर में रहते हैं। ये जो आपने विषय दिया, ये जो आपने सब्जेक्ट दिया है, ये अपने आप में इतना गंभीर, इतना सीरियस, ये आप यहाँ बैठ करके
और ये जो शुरुआत आपने किया है कड़ी में, मैं चाहूंगा कि बुनकर वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, बुनकर मजदूरों के लिए लड़ाई जाने वाले मऊ के साथी अधिकारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, सारे लोगों ने बहुत सारी तफसील से बातें कही है। मौका किसने दिया है, मौका किसने दिया है? कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद क्या सुधा राय जी हमारी नहीं थी? सालिम अंसारी हमारे नहीं थे? अर्थात जमाल साहब हमारे बीच के नहीं थे? आप बताइए, आप विजय प्रताप सिंह हमारे बीच के नहीं थे? अबूबकर अंसारी क्या हमारे बीच के नहीं थे? किसने मौका दिया है कांटा बिछाने का बब्बूर का इस जनपद में? किसने मौका दिया है? हम और आपने दिया है। तो आपको जो है ये तहरीक, हजारों हजार पर्चे छपे और एक जन अभियान के तहत जिस तरीके से हिंदुस्तान की आजादी लड़ने का जो जज्बा था, उस अभियान के तहत इस कारवां को अगर आगे बढ़ाते हैं तो उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी जनपद के कोने कोने में इसके सिपाही रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं हवाओं में बात नहीं कर रहा, और जनपद से बाहर भी उत्तर प्रदेश बुनकर वाहिनी की टीम है, और हमारा केंद्रीय कार्यालय कॉल बिल्डिंग में, मऊ जनपद जिला मुख्यालय में हमारा है। 11 बजे से लेकर 9 बजे रात तक खुलता है, जिस साथी को जब जरूरत पड़े आ सकता है। लेकिन अगर आप हमें बाहरी भगाओ और मऊ के विकास की अगर बात कही है, तो चाहे किसी पार्टी किसी दल का उम्मीदवार है आपके सामने, तो यह बात भी आते आते तय हो जानी चाहिए। हमारे लोकल हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जो 2-4 हजार वोट पाने के ही लिए अब काफी है, तो ऐसा नहीं है, उसमें बेहतर देख करके और ये तय करना होगा कि हमारा जो है किधर हमारी दिशा होनी चाहिए। बहुत वरना सिर्फ ये कि एक आवाज बाहर जाए और दब जाए, कमजोर तहरीक नहीं। हमारे गुरु खेसारी अहमद अंसारी बुनकरों के लीडर टांडे के हुआ करते थे। 1999 में जब बुनकरों का आंदोलन हुआ लखनऊ में, जब गए तो रस्मी तौर पर वो आया देने पत्रक कि आप पत्रक दे दीजिए। उन्होंने कहा सुनो, नोटिस आपको दी जा चुकी है, जब तक कोई सक्षम अधिकारी नहीं आएगा हमारे मामले में तय करने की हैसियत का, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और 50 दिन तक वहां आंदोलन चला, हम लोग हिले नहीं, और जब हमारी बात मानी गई तब हम लोग वहां से आए घर, चाहे थाने के हों, गोरखपुर के हों। बीपीएस सिंह, सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत। ये जो मुहिम है जो आपने दिया है बाहरी भगाओ, उसके साथ साथ मैं एक और पहल करना चाहूंगा कि जैसा कि अभी कुछ महानुभाव ने नाम लिया, चंद्रदेव राजभर वो तो हमारे अंदर के थे, हरिनारायण राजभर जी वो भी हमारे हैं, तो केवल इससे नहीं होगा कि बाहरी भगाओ और हमारे बीच में कई लोगों ने ऐसा इंडिकेशन दिया, मुझे लगता है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो उसके नाम पे विवाद खड़ा कर सके। और मैं नाम लेना चाहूंगा, लोग इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, एक अतुल कुमार अंजार जो कि आज आपके जो है, मुझे लगता है ये 6वां चुनाव होगा, और केवल बातें करने से नहीं होगा, आइडिया की बातें तो सब करते हैं, और हर बार यही होता है। अगर हम छत्री कौम से हैं तो हम कहते हैं कि मुसलमान लोग आगे आवे, हम इंतजार कर रहे हैं, और मुस्लिम लोग जो है इस बात का इंतजार करते हैं कि हम आगे आवे, इसी तरह से हम इंतजार करते रह जाएंगे और विकास की जो है उम्मीद करेंगे। ये सब बातें करने से नहीं होने वाला, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और चार लोग, चार से चार जुड़ेंगे, फिर उसके बाद से जो है ये कारवा जो है आगे बढ़ता जाएगा। और सब कोई जानता है उस शख्स की मतलब ऑनेस्टी को, उस शख्स की कर्तव्य निष्ठा को। और किसानों की बात करने की बात करें आप, तो जाके राष्ट्रपति से आप किसानों की आवाज उसने उठाया, 3000 पेंशन की मांग करने वाला, बुनकरों की किसानों की हमेशा जो है आपके बीच में हमेशा आंदोलन करते हुए दिखते हैं। ये अलग बात है कि हम सब जो है गाड़ियों को देखते हैं, लंबी लंबे कारवार को देखते हैं, अच्छे अच्छे लिबास को देखते हैं, इन सब से अलग हटकर हमको जो है, अगर ये सब बातें हो रही हैं कि एक ऐसा शख्स हो जिसके अंदर ईमानदारी हो, जिसके अंदर जो है इल्म हो, जिसके अंदर तालीम हो, तो फिर जो है कि इन सब अच्छे
अच्छाइयों को समेटे हुए एक शख्स हमारे बीच में मौजूद है, तो फिर उसके नाम की पहल में इतनी देरी क्यों? मैं जवाब चाहता हूं आपसे, इतनी देरी क्यों? अगर हम सब कुछ जानते हैं फिर भी हम मौन क्यों? शहीद आजम भगत सिंह ने अगर आवाज उठाई किसके लिए? इस मुल्क की आजादी के लिए। तो उसके पीछे कारवा बना, फांसी का फंदा चूम लिया, उसकी मां की आंखों में आंसू था। तो किसी ने कहा, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, तू न रोना कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी तेरा लाल मरेगा नहीं। अरे घोड़ी चढ़ के तो जाते हैं दुल्हा सही, फांसी चढ़ के कोई दुल्हा बनेगा नहीं। तो मुझे ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमारी आवाज को मजबूती के साथ रख सके। तो बिना जो है सोचे समझे मैं अपनी बात को खत्म करूं इस चंद लाइनों के साथ कि जो आज धूल धूसरित है वही कल पुष्पों से सुवासित होगा। जिसने आदियों को देखा है वह बसंत बहार को भी देख सकता है, और जिसने मरण सीखा वह जीने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं बात गांधी मानेगा संदेश लाइव से। बाहरी भगाओ मऊ बचाओ अभियान के तहत तमाम बाहरी प्रत्याशियों का विरोध किया जा रहा है। बाहरी प्रत्याशियों में बहुत सारे आए, हारे भी और जीते भी, और इसके कारण हमारे मऊ का अब तक कोई विकास किसी तरह से संभव नहीं हो सका। ये मुहिम अच्छी है, इसकी हम भी तायद करते हैं, हम भी साथ में हैं। हालांकि हमें ये नहीं करना चाहिए, मीडिया दल के खिलाफ है, लेकिन फिर भी ये चीज अच्छी चूंकि हम मऊ के निवासी भी हैं। बहरहाल अगर प्रत्याशी को हटाया जाए तो ऑप्शन में कोई दूसरा प्रत्याशी होना चाहिए जिसके लिए आदमी अगर नाम रखे, चूंकि हटाने वाली बात तो समझ में आती है। ये इन लोगों ने मीटिंग करके तमाम एक मीडिया मैसेज, पब्लिक मीडिया अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन एक बात यह है कि पब्लिक के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि पब्लिक की मेंटेलिटी क्या, इनको भी समझना चाहिए और इनकी मेंटेलिटी पब्लिक को भी समझना चाहिए कि मानसिकता क्या, किस तरह का ये चाहते हैं। बहरहाल समझ साहब शुरुआत आपसे हम करते हैं, क्या आप हमें बताएंगे कि इस मुहिम के बाद आपका साथ जो जनता दे रही है, आप किस प्रत्याशी को लाना चाहेंगे और अपनों के बीच का हो और काम करें इसकी क्या गारंटी है, ये भी बताने का कष्ट करें। समझता आपने शायद, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठ ले रहे हैं और हमारे इस मुहिम में शामिल हुए, आपके बेहद मशहूर हैं। आपने शायद हमारा ज्ञापन पढ़ा नहीं या समझा नहीं, हमने सारा क्राइटेरिया उसमें लिख दिया है। अब ये गठबंधन को या जिसको हम ज्ञापन देंगे उन्हें तय करना है। हमने सारा अपना उद्देश्य उसमें लिख दिया है, ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो, सेकुलर हो, सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से पहचान रखता हो, नाम हो। तो इस तरीके का प्रत्याशी का आज तक आप लोगों को कभी कोई मिला नहीं, या बहुत ऐसी काबिलियत नहीं कि इस तरह उसमें प्रत्याशी मिले, या हर बार जिताया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पार्टी ने दिया है ना, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, मांग रहे हैं पार्टी से वैसा प्रत्याशी के लिए। पिछले 15 वर्षों से जनपद के बाहर के लोगों को टिकट दे दिया जाता है और हम लोग जिता भी देते हैं इस उम्मीद के साथ, मगर उम्मीदें टूटती गई, त्रस्त हो गए और जनता और लोग काफी पीछे हो गया। इसलिए अब हमारी मांग है कि हमारे घोसी लोकसभा क्षेत्र का हो, और अगर सदर तहसील मुख्यालय का होगा तो कहीं बेहतर है। और किसानों के बाद बुनकरों की आबादी देश में सबसे बड़ी है, और बुनकरों को सभी ने यूज एंड थ्रो का फार्मूला के तहत पैर से कुचलने का काम किया है। इसलिए हम बुनकर के लिए वरीयता भी देते हैं कि बुनकर को अगर देते हैं तो हम वरीयता। अच्छा, लेकिन आप अपने ज्ञापन में मायावती को संबोधित कर रहे हैं, क्या केवल मायावती से ही आपको प्रत्याशी की उम्मीद है? और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं, किसी और को भी संबोधित कर सकते हैं, केवल मायावती को संबोधित करने का कारण बताएं। क्योंकि देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने का सवाल है, और आज बड़े ही इत्तेफाक से धरती पुत्र संविधान निर्माता बाबा साहब की गालिबन 128वीं जयंती है। आपके लोकतंत्र ने हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान बनाने का बेहतरीन कदम दिया, उस लोकतंत्र को कुचलने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और ये आरएसएस के तमाम दलाल कर रहे हैं। तो हमारा पहला प्रथम मकसद यही है कि बीजेपी के अगेंस्ट जो गठबंधन का उम्मीदवार है, यकीनन वो मजबूत है,
इसलिए हम बहन जी से ही मांग करते हैं, तो भी बहन जी के खाते में भेज सकते हैं। कांग्रेस से क्या दिक्कत है, कांग्रेस से क्या दिक्कत है आपको, कांग्रेस पार्टी से क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, बिल्कुल सेकुलर पार्टी है। मऊ जनपद में वो स्टैंड नहीं कर रही है। दूसरी बात ये है, सबसे खास बात ये है कि 1999 में कांग्रेस पार्टी ने जो इस बार टिकट दिया है बालकृष्ण चौहान जी को, कोई विकास कार्य नहीं किए, जबकि स्थानीय थे हमारे गालिबन करहा के थे मोहम्मदाबाद से, वो चूंकि 100% ना कार्य हैं, जांचे परखे हैं। आप किसी पेन की दुकान से 5 रुपए का पेन खरीदते हैं, अगर वो उसमें रिफंड नहीं रहती है या वो काम नहीं करती है, तो दूसरी बार आप उस पर चढ़ेंगे नहीं। हम पूरे घोसी लोकसभा 20 लाख वोटरों का सौदा कर ले, तो आप तो कांग्रेस प्रत्याशी को भी बदलने की मांग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, आप समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी के अगेंस्ट सपा बसपा गठबंधन घोसी लोकसभा में मजबूत है और बीजेपी को शिकस्त दे सकता है। अगर गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं बदला तो हम आने वाली मीटिंग में फैसला करेंगे, हमारी कोर कमेटी फैसला करेंगे। अच्छा, अगर अपने बीच के प्रत्याशी की बात है तो प्रत्याशी छोड़िए, सांसद भी हमारे बीच के थे, सालिम अंसारी साहब, उनके बारे में क्या कहना है आपका? सांसद थे वो, राज्यसभा सांसद थे। सांसद तो थे, उन्होंने अपने हैसियत के हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से काम किया, उनकी लोग सराहना किए बस। अगर प्रत्याशी बदल करके माननीय सालिम अंसारी साहब दोबारा अगर आ जाए, क्या आप लोग उनका भी समर्थन करेंगे? भैया, अगर वो बुनकर हैं, आप समझते हैं स्पष्ट।